Days before the Supreme Court is to deliver its verdict in the Ayodhya land dispute case, Prime Minister Narendra Modi recalled how political parties and the civil society played a mature role in uniting people when efforts were made to create tension ahead of the 2010 Allahabad High Court ruling in the case. भांति भांति के कितने लोग मैदान में आ गए थे, कैसे कैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स उस परिस्थितियों का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे, माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए किस किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी। लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तब सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, साधु संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए, माहौल से तनाव कम करने का प्रयास।